get on his ass. Oh. पिछले 24 घंटों से समूचे चंबा जिला में बारिश का प्रकोप जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सारे का सारा चंबा जिला अन्य क्षेत्रों से कट चुका है। इस बारिश के कारण रावी नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बात करें चंबा मुख्यालय को जोड़ने वाले शीतला पुल की, तो रावी नदी के इस तेज बहाव के कारण अब रावी नदी खतरे के निशान को भी पार कर गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर बारिश नहीं रुकी तो रावी नदी फिर से वही तबाही ला सकती है। बताते चलें कि भरमौर के रास्ते के बीच बकानी नामक स्थान पर लकड़ी का पुल रावी नदी की चपेट में आ चुका है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वह लकड़ी का पुल किसी भी समय धराशाही हो सकता है। शीतला माता पुल के पास भी रावी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहां पर शमशान घाट पानी में डूब गया है, तो वहीं चंबा पठानकोट मार्ग पानी से लबालब भर चुका है। इस बारे डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से तेज बारिश का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए रावी नदी का जल स्तर और भी बढ़ सकता है और इसीलिए हमने अपने कंट्रोल रूम को अलर्ट पर कर दिया है, ताकि किसी भी आपदा से निपटा जा सके। उज्ज्वल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। लेवल है, काफ़ी बढ़ रहा है पानी, ऊपर से और भी आने की संभावना है। तो पूरे कंट्रोल रूम के थ्रू हमने सारे नीचे लो लाइंग एरिया जो है उनको अलर्ट कर दिया है और अपने पुलिस स्टाफ को कंट्रोल रूम के थ्रू हमने इंस्पेक्शन अभी मैंने रावी का पानी देख के जारी किए हैं। वैसे भी एसपी साहब ने और डीसी साहब ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और सारे भरमौर पानी तक जो भी यहाँ जहाँ रोड बंद है उनको चलवाने की कोशिश की जा रही है, पर स्लाइडिंग के कारण अभी तक रोड रिस्टोरेशन में कमी हमें मुश्किल आ रही है। क्योंकि स्लाइड हो रहे हैं, जगह जगह स्लाइड हो रहे हैं, फिर भी पुलिस गश्त पर है, जो लाइन एरिया को चेक कर रही है। ये अभी सदर की गाड़ी गई है, ये बालू और ट्रेन से उसको भेजा है इनको। जो लोग नीचे जो घर बिल्कुल नज़दीक है उनको खाली करवाने के लिए पुलिस को हमने मोबिलाइज किया सर। पुलिस को हमने बालू पुल से इधर को ट्रैफिक को बंद किया है और भरमौर वाली ट्रैफिक को भी, भरमौर उधर से आने वाली ट्रैफिक को भरमौर चौक पर रोक रहे हैं, ताकि इस तरफ बड्डी नाला की तरफ या सरोखा नाला की तरफ कोई ना जाए। सरोखा नाला में भी स्लाइडिंग हुई है, तो शहर के चारों तरफ से रोड बंद है। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा एम्पोरियम कॉलेज रोड कांगड़ा।